बड़वानी, अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, लेकिन खनिज माफिया अभी भी गिरफ्त से दूर। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। छोटा बड़दा में रेत खदान धंसने से 5 मजदूरों की मौत और गृह मंत्री बाला बच्चन की अधिकारी कर्मचारियों को दी गई स्पष्ट चेतावनी के बाद भी राजस्व, पुलिस और माइनिंग अधिकारियों की कार्रवाई महज दिखावा प्रतीत हो रही है। आज नर्मदा नदी किनारे तीनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नर्मदा नदी किनारे गांव नंदगांव पेंड्रा कल्याणपुरा में प्रशासन ने संग्रहित की गई 250 ट्राली बालू रेत जब्त की, लेकिन एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इस तरह एक भी आरोपी का गिरफ्तार नहीं होना कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में बालू रेत जब्त की गई तो आरोपी कैसे बच गए, क्योंकि जब तक खनन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक अवैध खनन को रोकना काफी मुश्किल है। आज सुबह जो है SDM साहब, तहसीलदार साहब, माइनिंग अधिकारी और पुलिस की टीम के द्वारा जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। और कार्रवाई के दौरान जो है सबसे पहले जो नंदगांव पेंड्रा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार शिकायत मिल रही थी कि खदानें हैं, वहाँ पे जाके देखा गया तो खदानों पे कुछ सूपड़ी जो होती है रेत निकालने के लिए ट्रैक्टर में पीछे तरफ रख दी, उस टाइम भी 12-13 सूपड़ियाँ मिली है लोहे की, वो सब जब्त कर ली गई है। और उसके बाद और सर्वे जब कल्याणपुरा और आसपास के इलाके में है, उसी खदान के आसपास इलाके जंगल और जो इलाका है पूरा जब सर्वे किया तो वहाँ पे अभी तक एक अंदाजन जो है करीब 250 ट्राली रेत मिली होगी, जो अभी हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा अपना JCB और डंपर के माध्यम से उसको भर के कलेक्टर ऑफिस में उसको इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, ये कार्रवाई अब लगातार बिल्कुल सतत चलती रहेगी। ये रेत संग्रहित करने वालों को आरोपी की हिरासत में आया था। अब वो जो जिन स्थानों पर रेत मिली वो सार्वजनिक स्थान है, किसी निजी की निजी जमीन होने का नहीं पता पड़ा है, तो यदि उसमें जो भी यदि किसी का नाम आता है या किसी की जमीन पे पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी सब पे नज़र है, सारे अधिकारियों के ऊपर, सारे पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के ऊपर, माइनिंग से जुड़े हुए अधिकारियों के ऊपर, राजस्व से जुड़े अधिकारियों के ऊपर, कि कौन अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम दे रहे हैं और कौन नहीं दे रहे हैं और कौन जानबूझ के इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो वो तैयार रहे सजा भुगतने के लिए। हमको तो हमने जो मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिया है उन वचनों को हम निभाएंगे और बखूबी उनकी ये जो हमारी सरकार उनकी सेवा में लगेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड हम हमारे विभागों को और इस सरकार को हम बनाएंगे।